मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9C और 9 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और एडवाइजरी जो है वो निकल के आई है। क्या है वो अपडेट, आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे 22 फरवरी को एडवाइजरी ऑन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो इशू किया गया है। ये बेसिकली किया गया है वैसे लोगों के लिए जिनका की गुड्स या फिर वो ऐसी सर्विसेज कुछ सप्लाई करते हैं जो कि टैक्स रेट 1%, टैक्स रेट 1.5% और टैक्स रेट 7.5% की कैटेगरी में आ रहा है और उनको जीएसटीआर 9C भरने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जीएसटीआर 9C का जो फॉर्मेट है उसके अंदर 5% का रेट, 12% का रेट, 18% का रेट, 28% का रेट, 3%, 0.25%, 0.1% तक तो चीजें दी गई हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रही है, यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस भी पर्टिकुलर एसएससी के केस में 1%, 5% या 7.5% लागू होता है, ये कब लागू होता है, ये लागू होता है 1/4/2019 से रियल स्टेट सेक्टर के केसेस में, जहां पर अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यहां पर 1%, 5% और 7.5% का ब्रेकअप जो है वो अवेलेबल नहीं कराया गया। तो अगर कोई बिल्डर अपनी जीएसटीआर 9C भर रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो फिगर्स को कहां पे भरेगा। तो अब यहां पर इन्होंने बता दिया है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड इन जीएसटीआर 9C रिक्वायर्स द टैक्स रेट वाइज डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस फॉर द कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 9C में टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप डालना पड़ता है। इन द सेड फॉर्म tax amount pertaining to the 1% rate, 1.5 and 7.5% in section 3, यानी कि table number 9 और table number 11, table number 11 जो है वो amount payable की बात करता है, यहां पर भी rate का breakup जो है वो नहीं दिया गया है, and section 5 may be made in row oblique under label others। मतलब ये हुआ कि आपका जो है अब others के अंदर इन तीन कैटेगरी के रेट्स को इंक्लूड कर लेना है। मतलब ये जो कॉलम आपको दिया गया है, इस कॉलम में आपको 1%, 5% और 7.5% को इंक्लूड करना है। सिमिलरली जो पार्ट 5 है इसके अंदर भी अगर कुछ अमाउंट बनता है तो वो भी अब आपको अदर्स में लेके जाना है, और पार्ट 9 के अंदर जो पार्ट 3 के अंदर टेबल 9 है उसको भी अदर्स वाले सेक्शन में 1%, 5% और 7.5% वाली कैटेगरीज को इंक्लूड कर लेना है। यहां पर टैक्सेबल वैल्यू डालने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, आपको सिर्फ टैक्स अमाउंट से ही रिकंसाइल करना होगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है काफी सारे लोगों को आ रही थी, जिसको जीएसटी पोर्टल ने यहां पर क्लैरिफाई किया है। 9C को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा 9C का कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है, मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।